हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और प्रीत तिवारी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रियंका चोपड़ा इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो कैसे बनाना है वो मैं बताने वाली हूँ। हो सकता है कि पूरा परफेक्टली ना हो, लेकिन आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा परफेक्टली बताऊँ। लेकिन ये जो इमेज है, इसमें इन्होंने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था, तो मैं एंड में वीडियो के एंड में पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद से व्हाइट कलर का शर्ट पहन के और वीडियो का लुक मैंने वीडियो का लुक दिखाऊंगी। इससे पहले मैंने जो दीपिका पादुकोण वाला इंस्पायर्ड मेकअप लुक अपलोड किया था, वो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने बोला कि मैम, जो आपने लास्ट में पिक अपलोड की है उसका वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया, तो इस वाले में मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते, ज़्यादा बातें ना करते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को या तो रिप्लाई कर दूंगी या तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग को बता दूंगी अच्छे से। तो मेकअप स्टार्ट करती हूँ। मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने ये अपना मेकअप बॉक्स रखा हुआ है, इसी में मैंने अपना मेकअप का सारा सामान रखा हुआ है। तो इसमें मेरे को इससे ईजी होता है, मेकअप के प्रोडक्ट इधर उधर नहीं होते हैं और मैं इजीली ले लेती हूँ मेकअप के प्रोडक्ट, गुम नहीं होते हैं इधर उधर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मेकअप फेस को CTM करना, CTM मतलब क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, जो कि मैंने कर लिया है। क्लिंजिंग के लिए आप जरूरी नहीं है कि आप क्लिंजिंग मिल्क ही अप्लाई करोगे, फेस को अच्छे से किसी भी फेस वॉश से वॉश कर लो तो आपका फेस साफ हो जाएगा। उसके बाद से मॉइस्चराइजर क्रीम ले लीजिए, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप स्क्रब कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करके और डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। टोनर कोई भी टोनर हो आप यूज कर लीजिए, मैंने यहाँ पे सहनाज का टोनर यूज किया था। और उसके बाद से आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लीजिए, कोई भी ब्रांड का चलेगा, बस स्किन में मॉइस्चराइज रहना चाहिए, उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करना है। तो मैंने ये सब कर ली है। अगर आपको बाहर जाना है तो आप सनस्क्रीन भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं बाहर जाना है तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्ट करता है स्किन पे, आपकी स्किन और सूर्य की किरणों के बीच में एक लेयर सी बना देता है, जिससे आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सनस्क्रीन अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप बाहर जा रहे हो तो। मुझे बाहर नहीं जाना है तो मैंने सनस्क्रीन अप्लाई नहीं किया हुआ है, और मैं डायरेक्टली प्राइमर लगाऊंगी फेस पे। मॉइस्चराइज क्लिंजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजर करने के बाद से प्राइमर लगाना है। प्राइमर कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 का प्राइमर लिया है, और इसको थोड़ा सा इतना क्वांटिटी में लिया है, और इसको पूरे फेस पे अच्छे से फैला देंगे, और इसको कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, ताकि अच्छे से ये स्किन में अब्जर्व हो जाए। जो आपकी स्किन के ओपन पोर्स होते हैं इसको ये हाइड कर देता है, और मेकअप अच्छे से उभर के आता है। जो भी प्रोडक्ट आप फेस पे यूज करोगे वो आपकी स्किन पे धब्बा धब्बा नहीं दिखेगा, केकी नहीं दिखेगा, इसलिए प्राइमर बहुत ही ज़रूरी पार्ट है मेकअप के लिए। तो मैंने यहाँ पे प्राइमर अप्लाई कर दिया, बालों को कवर कर देती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो मेकअप करने में। तो प्राइमर अप्लाई कर लिया है, इसके बाद से मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। कंसीलर मैं यहाँ पे 7 CH का अप्लाई कर रही हूँ, वाटरप्रूफ कंसीलर है, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, फुल मेट कवरेज देता है ये। और इससे मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड की थी, जिसको पूरा मुझे वाटरप्रूफ मेकअप के लिए रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने पूरा फेस पे मेकअप करने के बाद से फेस को अच्छे से पानी से वॉश किया है, मेरा मेकअप टस से मस नहीं हुआ है, और पूरा मैंने सुबह में मेकअप किया था, और रात को 10 बजे तक मेकअप वैसे का वैसे था, वो भी मैंने रिमूव किया, नहीं तो वो मेकअप हट नहीं रहा था। मुझे लगा कि पानी से वॉश करने के बाद से और ज़्यादा वो सेट हो गया था। तो आप वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, ये मेरा शेड नंबर 03 है, जो मेरे स्किन के लिए परफेक्ट है। आप अपनी स्किन के हिसाब से ही लीजिएगा। ये देखिए 03 मेरा शेड नंबर है। तो इसको मैं अपने आईज के डार्क सर्कल और जो भी डार्क स्पॉट्स हो वहाँ पे अप्लाई कर लेना है। इससे आपकी जो भी आप आई मेकअप करोगे या फिर स्किन पे जो भी मेकअप करे वो अच्छे से आएगा, और मेकअप अच्छा सा स्मूथ सा और ग्लोसी सा दिखेगा, बिल्कुल भी मेकअप पैची सा नहीं दिखेगा, पैची सा नहीं दिखता अगर आप ये प्राइमर यूज करते हो तो। और इसको अप्लाई ब्लेंड करने के लिए आप ब्रश का यूज कर सकते हो। कभी भी कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए आपको रब नहीं करना चाहिए स्किन पे, ये बस टैप टैप करोगे तो ये इजीली ब्लेंड हो जाता है ऐसे ऐसे। मैंने मिरर नहीं लिया, बट मेरे आई शैडो पैलेट में मिरर है, तो मैं इसी से काम चला लूँगी। आप ब्यूटी ब्लेंडर और स्पंज किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो। मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, तो ब्लेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें, अच्छे से ब्लेंड करें, बिल्कुल भी धब्बा धब्बा सा पैचेस सा नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मेरा अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। उसके बाद से मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज करूँगी। फाउंडेशन मैं लैक्मे 9 to 5 का यूज करी, परफेक्ट रेडियंस स्किन लाइटनिंग फाउंडेशन है,
विद SPF 11 है इसमें, तो आप बाहर जा रहे हैं अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज कर रहे हैं तो आप ये वाला फाउंडेशन यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है। ओके, तो मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लूँगी, मुझे ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फाउंडेशन लेना भी नहीं चाहिए, बस हल्का सा लीजिए ताकि आपकी स्किन पे ग्लो आए, लाइट आए। ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करने से आपकी स्किन पैची सी दिखती है और स्किन पे धब्बा धब्बा सा दिखता है। अब जितना प्रोडक्ट फेस पे अप्लाई करें उतनी गर्दन पे भी अप्लाई करिए, नहीं तो पता चलेगा कि आपकी स्किन बहुत फेयर और गर्दन बहुत काली दिख जाएगी और सब लोग को पता चल जाएगा कि आपने मेकअप किया हुआ है। तो अच्छे से लगा के अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए इसको भी, देख सकते हो कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है और स्किन में एक अलग सा ग्लो आ जाता है। तो इसको मैं ब्लेंड कर लेती हूँ, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अभी मैं लैक्मे 925 के फेस पाउडर से इसको पूरा सेट कर लूँगी अपने अपने इसको कंसीलर एंड फाउंडेशन को। लॉकडाउन की वजह से सारी प्रोडक्ट्स ख़त्म हो रही है गाइज, और स्कूल भी नहीं रहा, मेरा 12 तारीख को बर्थडे भी है और मैं कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। आज मेरी सिस्टर इन लॉ जाएंगी एक शादी में, जो कि ब्लॉग मेरे ब्लॉगिंग चैनल इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी पे शेयर होगा, तो आप जाके जरूर चेक कर लेना। तो ये अच्छे से मैंने पाउडर से इसको सेट कर लिया है। अभी मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। आई मेकअप के लिए मैं अपने आई शेडो पैलेट में से ही ब्लैक कलर का आई शेडो लेके अपनी आई ब्रोज को फिल करूँगी। प्रियंका चोपड़ा की आईब्रोज बहुत ही चौड़ी सी हैं, तो मुझे उसी हिसाब से आईब्रो पेंसिल लगानी है। कुछ इस तरीके का लुक है उनके आईब्रोज का, फ्रंट से इस तरीके से स्ट्रेट गया हुआ है, यहाँ से इस तरीके से मुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आईब्रोज को फिल कर लिया है, दूसरे आईब्रो को भी इसी तरीके से फिल। तो आईब्रोज को फिल करने के बाद से मैं अपनी क्रीच एरिया पर अप्लाई करूँगी पर्पल कलर का आई शेडो, क्योंकि पर्पल सी आई का मेकअप है इनके। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। टोटली पर्पल कलर का ही आई मेकअप है इनका, तो मैं पहले आई शेडो पैलेट में से इस तरीके से पर्पल कलर का आई शेडो अप्लाई कर दूंगी, फिर मैं ये स्पार्कल है पर्पल कलर का स्पार्कल अपने आईज पे अप्लाई करूंगी। तो दोनों आईज पे इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो इस तरीके से पर्पल कलर का आई शेडो अप्लाई कर लिया है। लो वाटर लाइन पे भी पर्पल कलर का आई शेडो लेंगे और लो वाटर लाइन पे भी पर्पल कलर का आई शेडो लेंगे और इस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो प्रियंका चोपड़ा की आई मेकअप का लुक था वो इसी तरीके से था। आई थिंक आप लोग को दिख रहा हो अच्छे से गाइस। इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक पूरा पर्पल कलर का शेड आपको अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से आपको इस वाले आईज पे भी अप्लाई करना है, तो इस तरीके से आईज पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद से मैं लूँगी स्पार्कल, और स्पार्कल में ब्रश दिया हुआ है तो वही ब्रश यूज करूँगी ताकि ज़्यादा फैले ना। तो पर्पल कलर का ये स्पार्कल लेके इस तरीके से अपने आईज पे आई लीड पे अप्लाई कर देंगे। ताकि ये थोड़ा सा शाइनिंग सा लुक आ जाए जैसे कि प्रियंका चोपड़ा जी का था। ओके, अभी सेकंड आईज पे भी सेम इसी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा सा शाइन आ गया आईज में। जस्ट इसके बाद से आपको आईलाइनर अप्लाई कर देना है और आईलैशेज अप्लाई कर देनी है। आईब्रोज के जस्ट नीचे में आपको हाइलाइटर यूज करना है। हाइलाइटर स्विस ब्यूटी का है, ये रहा, देख सकते हो आप, इसका शेड नंबर है 02। ये भी मेरी स्किन से काफ़ी हद तक मैच हो जाता है। यहाँ पे आप अप्लाई कर लोगे,
ध्यान से देखिए मैं कहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। मेकअप करने के टाइम पे आपको आईब्रोज की जरूरत ही नहीं कि आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है दोनों आईज पे। ओके, बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है हाइलाइटर यूज कर देने से। अब इसके बाद से मैं अपने आईलाइनर को अप्लाई करूँगी। आईलाइनर एकदम पतली अप्लाई करनी है क्योंकि फोटो के हिसाब से उन्होंने बिल्कुल पतली सी लगाई हुई है, तो हल्का सा रिंग बनाइए इस तरीके से और एकदम पतली सी आईलाइनर आप अप्लाई कर लो अपने आईलैशेस के जस्ट पास में। इतना ही पतला आईलाइनर अप्लाई करना है, इससे चौड़ा नहीं करना है। इसके बाद से मैं लैक्मे 925 का ही मस्कारा अप्लाई करूंगी। मैंने यहाँ पे आईलैशेस नहीं लगाई हुई हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईलैशेस मेरी ख़त्म हो गई हैं। अच्छे से मस्कारे को अप्लाई कर देंगे। इनर कॉर्नर पे आपको वाइट कलर का आई शेडो लेके इस तरीके से अप्लाई कर देना है। आप हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आई शेडो ही अप्लाई किया है। ठीक है, इसके बाद से आपको अप्लाई करना है फेस में। मैंने सब कुछ लगा ही दिया था, बस कंटूरिंग करनी है। कंटूरिंग के लिए आपको यहाँ से नोज को पतला सा लुक देना है। प्रियंका चोपड़ा का ये वाला थोड़ा सा उठा हुआ है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। देन इसको ब्लेंड कर देना है। फेस लगभग ठीक है मेरा, तो मुझे फेस को पतला करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। ओके, अभी आपको हाइलाइटर अप्लाई करना है आपके नोज के बोन्स पे इस तरीके से। मैं आप अपने फेस को कंट्रोल नहीं कर रही हूँ क्योंकि कंट्रोल की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे अपने फेस में। हाँ, बस हाईलाइट ब्लशर थोड़ा सा यूज करूँगी। ब्लशर के लिए मैंने ये वाला ब्लशर यूज किया है, फिस ब्यूटी का है ये भी। और देन अपने चिकबोन के जस्ट नीचे आपको इस तरीके से ब्लश अप्लाई करना है। और जस्ट इसके ऊपर आपको अप्लाई कर देना है हाइलाइटर चिक बोन्स के ऊपर। अपर लिप से देन नीचे, ऑलमोस्ट हमारा मेकअप डन है। अभी मुझे क्या करना है, लिप्स को शेप देना है। लिप्स को शेप देने के लिए प्रियंका चोपड़ा जी का लिप्स थोड़ा सा चौड़े में है, अपर से चौड़ा है, नीचे से थोड़ा पतला है। तो इस तरीके से आपको ये वाली लुक भी, ये जो बनाते हैं ये नहीं बनाना है, इसमें उनका बराबर है। तो इस तरीके से लिप्स को शेप दे देना है। देन इसके नीचे आपको सिंपली लिपस्टिक अप्लाई कर देनी है। लिपस्टिक उन्होंने डार्क पर्पल कलर की लगाई है, बट मेरे पास शायद डार्क पर्पल नहीं है, तो मैं ये वाला अप्लाई कर रही हूँ मैरून कलर। इससे भी काम चल जाएगा। गाइस, ये है मेरा प्रियंका चोपड़ा का इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो कि ये मेरा फाइनल लुक है। तो कैसी लग रही हूँ मैं, इस टाइप का ही लुक है उनका पिक में। तो
आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो, एंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी कोई एक्ट्रेस का मेकअप लुक आपको देखना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं और भी अच्छे से वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ हो, मतलब 19-20 मतलब थोड़ा सा मतलब मैच नहीं हुआ हो, तो प्लीज़ डोंट माइंड, एंड आगे से मैं और भी प्रैक्टिस करूँगी कि और भी अच्छी अच्छी लुक्स आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। तो ऐसा ही कुछ लुक है उनका पिक में। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आया हो कि मैंने कैसे कैसे किया है। और मेरी लिप्स और मेरे फेस में उनके फेस में काफ़ी डिफरेंट है, तभी भी मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है। तो आप लोग को कैसी लगी जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, और भी कोई लुक क्रिएट करना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे पास ना मैच शर्ट भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत मैच कर रही है तो चलेगा, आप भी चला लीजिएगा, प्लीज़ डोंट माइंड, एंड प्लीज़ सपोर्ट में गाइज, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग मुझे मेरे इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए, उस पर भी मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आते रहती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा। बाय गाइज़।